डियर टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। इस वीडियो में हम किड्स नंबर बुक 4+ का पेज नंबर 3 करेंगे, जिसका टॉपिक है लॉन्ग एंड शॉर्ट थिंग्स। इस वीडियो में हमारे SLOs हैं कि बच्चा लॉन्ग और शॉर्ट के कॉन्सेप्ट को समझ जाए, और साथ ही साथ ये भी कि बच्चा लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स और शॉर्ट ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग कर सके, पहचान सके कि ये लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स हैं और ये शॉर्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। लॉन्ग एंड शॉर्ट के लेसन में जिन बातों का आपको एज अ टीचर पता होना चाहिए वो ये है कि लॉन्ग और शॉर्ट वो कॉन्सेप्ट है जिनका बेसिस जो है वो लेंथ के ऊपर होता है, यानी लेंथ की बेसिस पे आप ऑब्जेक्ट को लॉन्ग और शॉर्ट कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ एक बात का डिफ्रेंसिएशन जो आपको एज अ टीचर समझना है वो ये है कि हमने पहले बिग एंड स्मॉल पढ़ा, अब हम लॉन्ग एंड शॉर्ट पढ़ रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ये लेंथ और साइज में डिफरेंस क्या है? तो जो साइज होता है उसके अंदर लेंथ, हाइट और विड्थ तीनों चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, जबकि जो लेंथ्स होती हैं उसमें खाली आपकी लेंथ ही इंक्लूडेड होगी, यानी कि लॉन्ग और शॉर्ट सिर्फ लेंथ के ऊपर बेस करेंगे और बिग एंड स्मॉल ओवरऑल उसका कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट का साइज के बेसिस पे कंसिडर होते हैं। डियर टीचर्स, ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि साइज और लेंथ के अंदर क्या डिफरेंस है, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं। आपका बच्चा 4+ का है तो उसमें इतना ज़्यादा उसका अभी ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हुई कि आप उसको इस फर्क का, इस डिफरेंशिएशन का बता सकें। सो आपने सिंपल लॉन्ग एंड शॉर्ट का कॉन्सेप्ट उसको डिलीवर कर देना है उस तरीके से जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ। डियर टीचर्स, अपने लेसन का आगाज़ आप बच्चों को ग्रीट करने से कहें, उनको अस्सलाम वालेकुम कहें, उनसे उसका जवाब रिसीव करें, उनको इनक्रेज करें सलाम का जवाब देने पर, और फिर उनसे क्वेश्चनिंग करें आप कि लॉन्ग क्या होता है। बच्चों, कभी आपने वर्ड लॉन्ग सुना है? लॉन्ग का क्या मतलब होता है? उनसे उनके आंसर्स कलेक्ट कीजिए और जैसे भी उनके टूटे फूटे जो भी कॉन्सेप्ट हैं उन पे उनको अप्रिशिएट कीजिए। अगर किसी का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है तो आप उसको खड़ा करके उसके लिए क्लैपिंग करवाएं क्लास में कि देखें फलाने बच्चे का आंसर बहुत अच्छा है, आप सब इसको अप्रिशिएट करें। इस तरह बच्चों में अप्रिशिएट करने की एबिलिटी डिवेलप होगी। तो इसके बाद आप बच्चों से इसी तरह क्वेश्चन करें कि शॉर्ट वर्ड क्या उन्होंने कभी सुना है, शॉर्ट का क्या मीनिंग होता है, शॉर्ट कौन सी चीज़ें शॉर्ट हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आप पूछें कि रूम में, क्लासरूम में कौन सी चीज़ शॉर्ट है, कौन सी चीज़ लॉन्ग है। इस तरह से आप बच्चों से क्वेश्चनिंग करें और फिर उसके बाद आप उनको खुद बताएं कि देखिए ये जो वाइट बोर्ड है ये लॉन्ग है और ये जो बोर्ड मार्कर है ये शॉर्ट है। तो ऐसे आप लेंथ को इंडिकेट करें कि लॉन्ग कौन सी है और शॉर्ट कौन सी है, ताकि बच्चों में थोड़ा सा इनिशियल कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए। अब आप अपने हाथों को थोड़ा खोल कर बच्चों को एक लेंथ इंडिकेट करें और उनसे पूछें कि ये क्या है, लॉन्ग और शॉर्ट। फिर आप उनको बताइए कि दिस इज़ शॉर्ट, दिस इज़ शॉर्ट। इसको आप 6 दफ़ा रिपीट करें शॉर्ट के वर्ड को, ताकि बच्चों को वो वर्ड याद हो जाए। फिर उसके बाद आप अपने हाथों को ज़्यादा खोलिए और एक लेंथ इंडिकेट करके बच्चों से सवाल कीजिए, व्हाट इज़ दिस, यस। फिर उनको खुद ही बताइए, उनके आंसर कलेक्ट करने के बाद उनको खुद ही क्लियर करिए कि दिस इज़ लॉन्ग, लॉन्ग। और फिर लॉन्ग के वर्ड को भी आप 6 दफ़ा रिपीट करें, ताकि बच्चे को वर्ड याद हो जाए। डियर टीचर्स, लॉन्ग एंड शॉर्ट के इस लेसन की अंडरस्टैंडिंग के लिए, बच्चों को इस कॉन्सेप्ट डिलीवरी के लिए आप एक चार्ट यूज़ कर सकती हैं, जिसको आप रेफरेंस चार्ट कहेंगी। उस रेफरेंस चार्ट के ऊपर आप एक तरफ कॉलम बना सकती हैं फॉर लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स और दूसरी तरफ कॉलम बना दें आप शॉर्ट ऑब्जेक्ट्स को। दरमियान से आप एक लाइन ड्रॉ करके सेपरेट कर लें, लेफ्ट फॉर लॉन्ग एंड राइट फॉर शॉर्ट। अच्छा, फिर आप इन दो कॉलम्स के अंदर दो आपके पास ऑप्शंस हैं, या तो आप खुद ड्रॉ कर सकती हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑब्जेक्ट्स, या फिर आप लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑब्जेक्ट्स के
कटआउट्स पिक्चर्स भी ले सकती हैं, उनको वहाँ पे पेस्ट कर सकती हैं। तो ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी पे है कि आप उस रेफरेंस चार्ट को कैसे डेकोरेट करती हैं, उसकी आप डिफरेंट डेकोरेशंस बना सकती हैं, उस चार्ट को आप डेकोरेट कर सकती हैं कलर्ड मार्कर्स के थ्रू, क्रियॉन्स के थ्रू, जो भी चीज़ आपको तरीका अच्छा लगता है, ताकि आप उस चार्ट को बच्चे के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव बना लें, कैची बना लें, बच्चा उस चीज़ पर अटेंशन को मरकूज़ करे। तो आप जब लॉन्ग एंड शॉर्ट के ऑब्जेक्ट्स बना रही होंगी, तो आप मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एक, कि आप अर्थवर्म की और स्नेक की एग्जांपल दे सकती हैं कि स्नेक जो है वो लॉन्ग है और अर्थवर्म जो है वो शॉर्ट है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑब्जेक्ट्स को उस रेफरेंस चार्ट पे ड्रॉ करके रेफरेंस चार्ट तैयार कर सकती हैं। जब आपने रेफरेंस चार्ट तैयार कर लिया, उसके बाद आप उसको वाइट बोर्ड पे पेस्ट कर दें, बच्चे से पूछें कि इसमें से लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं और शॉर्ट ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं। जब आप किसी ऑब्जेक्ट की तरफ बच्चे की तवज्जो दिला रही हों, जब आप एक कंपैरिजन, जैसे फॉर एग्जांपल स्नेक और अर्थवर्म के कंपैरिजन आप पढ़ा रही हैं, तो इस बात का आप ख़ास ख्याल रखें कि बच्चा छोटा है, पहले आपने उसकी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने की एबिलिटी को इन्हेंस करना है। तो आपने उससे डिफरेंट क्वेश्चनिंग करने हैं, ये कौन सा एनिमल है, ये कौन सा इंसेक्ट है, ये क्या चीज़ है, जो भी वो थिंग है आप उसके बारे में क्वेश्चनिंग करें कि ये क्या है, आपने ये कहाँ देखी है, ये किस कलर की होती है, ताकि अच्छी तरह उस बच्चे को समझ आ जाए कि ये हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। जब एक दफ़ा बच्चा समझ लेगा कि ये चीज़ कौन सी है, फिर उसके लिए उसको उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन समझना ज़्यादा आसान होगी। हम यूजुअली क्या करते हैं कि जस्ट एक पिक्चर दिखा के उसके बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो डिलीवर करना शुरू कर देते हैं। पहली स्टेज हमेशा किसी पिक्चर दिखा के बच्चे को उस पिक्चर की आइडेंटिफिकेशन की होती है। डियर टीचर्स, इस कॉन्सेप्ट को डिलीवर करने के लिए एक और बहुत इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी ये है कि आप बच्चे को एक पीस ऑफ पेपर दें जिसके ऊपर लेफ्ट साइड लॉन्ग के लिए और राइट साइड कॉलम शॉर्ट के लिए रखें, दरमियान में आप एक लाइन ड्रॉ करें, दो कॉलम्स बना लें, और उसके बाद आप क्या करें कि आप बच्चे को यार्न दें। यार्न होता है ऊनी धागा जो आप निटिंग के लिए यूज़ करते हैं, बुनने के, जैसे स्वेटर बुनने के लिए यूज़ होता है जो ऊनी धागा। तो आप यार्न ले लें, यार्न को आपने दो ही लेंथ्स में कट आउट करना है। याद रखें कि अगर आप डिफरेंट लॉन्ग की लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट लॉन्ग यार्न की कटिंग करेंगी तो वो लेंथ में कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि ये लॉन्ग है या नहीं है। तो आपने एक ही जितनी लेंथ को नाप के सारे लॉन्ग यार्न्स काट लेने हैं, और फिर एक ही शॉर्ट लेंथ को नाप के सारे शॉर्ट यार्न्स आप काट लें। उसके बाद आपने पूरी क्लास को 4-4 के ग्रुप्स में डिवाइड कर लें, हर ग्रुप को आप वो एक पीस ऑफ पेपर पकड़ाएं और साथ में यार्न्स की लेंथ्स पढ़ाएं, शॉर्ट यार्न्स पकड़ाएं और लॉन्ग यार्न्स पकड़ाएं, और साथ में ग्लू स्टिक दे दें आप ईच ग्रुप को। फिर आप बच्चों को कहें कि लॉन्ग के कॉलम में लॉन्ग यार्न्स पेस्ट करें और शॉर्ट के कॉलम्स में शॉर्ट यार्न्स पेस्ट करें। और वाइल आप बच्चों को सारा ये एक्सप्लेन कर चुकी हैं, तो आपने क्लास में एक राउंड ज़रूर लेना है बच्चे को मॉनिटर करने के लिए कि आया बच्चे को लॉन्ग और शॉर्ट का कॉन्सेप्ट सही समझ आया है, क्या वो शॉर्ट के कॉलम में शॉर्ट यार्न पेस्ट कर रहा है और लॉन्ग के कॉलम में लॉन्ग यार्न पेस्ट कर रहा है या नहीं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए क्लास का राउंड लेना बहुत ज़रूरी है। प्री क्लास की टीचर को वैसे भी क्लास में एक जगह स्टैटिक होना ही नहीं चाहिए, राउंड लेते रहना चाहिए। अब आप बच्चों से किड्स नंबर बुक का पेज नंबर 3 ओपन करवाएं और बच्चों को एक्सप्लेन करें कि यहाँ पे कुछ पिक्चर्स लॉन्गर ऑब्जेक्ट्स की हैं और कुछ पिक्चर्स शॉर्टर ऑब्जेक्ट्स की हैं। तो आपने जो शॉर्टर ऑब्जेक्ट है उसके कॉलम के नीचे एस राइट करना है और जो लॉन्ग ऑब्जेक्ट है उसके कॉलम के नीचे एल राइट करना है। अब इसी तरह आप पहली पिक्चर डिस्कस करें बच्चों के साथ और उनको बताएं कि पहली पिक्चर किस चीज़ की है। सो पहली पिक्चर हमारे पास जिराफ और डियर की है जिस पे हमने डिस्कशन जनरेट करनी है। तो हम इसी तरीके से पहले अपने बच्चे को पिक्चर दिखाएंगे और उससे क्वेश्चन करेंगे कि ये किस चीज़ की पिक्चर है। बच्चा आपको बताएगा कि ये जिराफ की पिक्चर है, फिर हम उससे मज़ीद क्वेश्चनिंग करेंगे, क्या आपने जिराफ कभी देखा है, जिराफ कहाँ पर होता है। यस, ओ जिराफ तो जंगल में होता है, आपने टीवी में देखा है। यस, और जिराफ क्या खा रहा होता है जब हम देखते हैं। जी जिराफ तो लीव्स खा रहा होता है, ट्रीज़ के लीव्स खाता है जिराफ।
फिर आप उससे सेकंड क्वेश्चन करें सेकंड पिक्चर के बारे में जो कि एक डियर की है, आप उसे दोबारा पूछें क्या आपने कभी डियर देखा है, अगर देखा है तो कहाँ देखा है और क्या डियर कैसे भागता है, डियर फास्ट भागता है ना, यस डियर बहुत फास्ट भागता है। इस किस्म के क्वेश्चन करके आप बच्चे को बताएंगी कि वो बात यहाँ पे किस चीज़ की हो रही है। फिर जब बच्चा दोनों एनिमल्स को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर ले कि ये जिराफ है ये डियर है, हम डियर और जिराफ की बात कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद आप बच्चों की तवज्जो दोनों की नेक्स की तरफ लेके आएँ और आप उनसे क्वेश्चन करें कि जिराफ की नेक लॉन्ग है कि शॉर्ट है। बच्चे आपको आंसर देंगे, उनको अप्रिशिएट कीजिए और बताइए कि जिराफ की नेक लॉन्ग है और डियर की नेक शॉर्ट है कि लॉन्ग है, तो डियर की नेक शॉर्ट है। फिर आप बच्चों को गाइड कीजिए कि क्योंकि जिराफ की नेक लॉन्ग है तो हम जिराफ के पिक्चर के नीचे कॉलम में एल लिखेंगे और डियर के पिक्चर के नीचे कॉलम में एस फॉर शॉर्ट लिखेंगे। डियर टीचर्स, अब आप बच्चों की अटेंशन जो है वो सेकंड पिक्चर की तरफ लेके जाएं जो कि ट्रेन और बाईसाइकिल की है। बच्चों से क्वेश्चन करें व्हाट इज़ दिस, बच्चे आपको बताएंगे दिस इज़ अ ट्रेन और फिर उनसे पूछें बाईसाइकिल के बारे में, तो बच्चे आपको बताएंगे दिस इज़ अ बाईसाइकिल। अब आप उनसे मज़ीद उनको इंफॉर्मेशन ये दें कि ट्रेन जो होती है वो एक काइंड ऑफ व्हीकल है जिसके आगे एक इंजन होता है और बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, वो कंपार्टमेंट्स और इंजन आपस में ज्वाइन होकर एक लॉन्ग ट्रेन बनाते हैं। और साथ ही साथ बाईसाइकिल के बारे में उनको बताएं कि बाईसाइकिल तो इतनी लंबी नहीं होती, शॉर्ट होती है। इसी तरह फिर आप बच्चों को बताइए मज़ीद कि अब लॉन्ग ऑब्जेक्ट यानी ट्रेन के नीचे जो बॉक्स है उसमें वो एल राइट करेंगे लॉन्ग के लिए और बाईसाइकिल के नीचे जो बॉक्स है उसमें वो एस राइट करेंगे शॉर्ट के लिए। ये टीचर्स, इसी तरह आप बच्चे की अटेंशन तीसरी तस्वीर की तरफ लेके जाएँ जो कि एक पेंसिल की और पेन की है। इसी तरह आप पेंसिल और पेन से रिलेटेड क्वेश्चनिंग करें बच्चे से, जब वो बच्चा पहचान जाए पेंसिल और पेन को तो फिर आप उनसे पूछें कि इसमें से लॉन्ग कौन सा है शॉर्ट कौन सा है। जी हाँ, इस पिक्चर में पेंसिल लॉन्ग है और पेन शॉर्ट है, तो आप पेंसिल की पिक्चर के नीचे एल और पेन की पिक्चर के नीचे एस लिखेंगे। डियर टीचर्स, लॉन्ग एंड शॉर्ट के कॉन्सेप्ट को डिलीवर करने के लिए भी हम LED प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे ताकि 21वीं सदी की जो स्किल है टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करते हुए हम बच्चों में डिस्कशन जनरेट करें और हम डिफरेंट पिक्चर्स दिखा के बच्चों से पूछेंगे कि इसमें से लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं और शॉर्ट ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं और लॉन्ग क्या होता है और शॉर्ट क्या होता है। डियर टीचर्स, रिटर्न वर्क करवाने के लिए आप बच्चों से किड्स एक्टिविटी एंड राइटिंग बुक खुलवा कर उसका पेज नंबर 3 ओपन करवा के बच्चों से कहें कि शॉर्ट ऑब्जेक्ट्स के नीचे एस लिखिए और लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स के नीचे एल लिखिए और फिर आप उनको कोई कलर्स बता दें, जैसे आप कह सकते हैं कि लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स को पिंक कलर करें और शॉर्ट ऑब्जेक्ट्स को रेड कलर करें। इस तरीके से बच्चा लॉन्ग एंड शॉर्ट के कॉन्सेप्ट को मज़ीद अच्छा अंडरस्टैंड कर सकता है। होमवर्क में आप बच्चों को एक्टिविटी दीजिए कि वो अपनी नोटबुक में 2 कॉलम्स बना लें लॉन्ग और शॉर्ट के लिए और मैगजीन से डिफरेंट कटआउट्स निकालें लॉन्ग और शॉर्ट ऑब्जेक्ट्स के और उनको लॉन्ग और शॉर्ट के कॉलम में पेस्ट करें। लॉन्ग एंड शॉर्ट की असेसमेंट के लिए जावेद पब्लिशर्स की तरफ से प्रोवाइड की गई वर्कशीट्स यूज़ करते हुए बच्चों की असेसमेंट लीजिए। थैंक यू फॉर हैविंग अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस विद अस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।